अपने डरावने और कातिल लुक की वजह से हिप्पो अफ्रीका के बड़े ही जालिम और खतरनाक जानवर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इन हिप्पोस को जालिम क्यों कहा, तो वो इसलिए क्योंकि जितने इंसानों को हर साल ये हिप्पो मौत के घाट उतार देते हैं, उतने तो मगरमच्छ, शेर और तेंदुए भी नहीं उतार पाते। और अगर आपको जानना है कि हिप्पो अपने दुश्मनों की कैसे बचाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको शायद सुन के अजीब लगे, लेकिन जंगल के राजा की भी इन हिप्पो से लड़ने में फटती है, क्योंकि इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बब्बर शेर का गुर्दा मुंह में आ गया होगा। लेकिन यहाँ तो हिप्पो ने मुंह से गुर्दा भी निकाल लिया। खैर, शेर जब भी हिप्पो के बच्चों के ऊपर हमला करने की सोचते हैं, तो अगर बच्चे की माँ पास में होती है तो इन शेरों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब इस क्लिप में ये शेर इस अभी अभी जवान हुए हिप्पो से लड़ने की कोशिश करता है, और मेरे हिसाब से शेर इस हिप्पो को टक्कर दे सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि शेर चार बार हमला करता तो भी हिप्पो शायद खड़ा रहता। लेकिन अगर हिप्पो इस शेर को एक बार कायदे से अपने मुंह से पकड़ लेता, तो शायद शेर दम तोड़ देता या विकलांग हो जाता। अब इस क्लिप में हिप्पो इस शेर को घूरता है, शायद ये शेर इसके एरिया में घुस आता है, और फिर क्या, एक दूसरे को घूरने का काम शुरू होता है। लेकिन हिप्पो घूरने के साथ धीमे धीमे शेर की तरफ भी बढ़ता है, जिसमें शेर को समझ में आ जाता है कि अब थोड़ा सा चिल्ला के इसे डराओ नहीं तो ये दानव जान ले लेगा। और शेर ने बिल्कुल यही सोचा, क्योंकि हिप्पो शेर के पिछवाड़े पहुंचकर बस पिछवाड़े पर दांत गड़ाने वाला था कि शेर वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब इस वीडियो में ये इतने सारे शेर इस हिप्पो को काफी चोट पहुंचाते हैं, मतलब मौका मिलते ही इसकी बॉडी पर काट लेते हैं। लेकिन ये शेर और इनके चूजे फिर भी इस हिप्पो का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाते, और वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब जब शेर इन हिप्पो का कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो ये जंगली कुत्ते क्या कर लेंगे। वैसे जंगली कुत्तों के लिए हिप्पो कोई शिकार तो नहीं होते, लेकिन ये फिर भी इन हिप्पो के पीछे भागते हैं सिर्फ उनसे मजा लेने के लिए। लेकिन कई बार मजे मजे में सजा भी इन्हें मिल जाती है, जैसे कि इस वीडियो में ये कुत्ते जानते हैं कि हिप्पो इनके ऊपर अगर बैठ गया तो इनकी सांस तक रुक जाएगी, लेकिन फिर भी ये इसे परेशान करने से बाज नहीं आते, और जब देखते हैं कि ज्यादा हो रहा है तो वहाँ से निकल जाना ही अपने लिए बेहतर समझते हैं। अब यहाँ ये जंगली कुत्ते फिर से हिरण के बच्चे को पकड़ने के चक्कर में हिप्पो के एरियाज में घुस जाते हैं, जिसमें एक कुत्ता बड़ी बहादुरी से इस इम्पाला को पकड़ने मौत के कुएं में तो कूद जाता है। लेकिन इस कुत्ते को ये भी पता था कि मौत थोड़ा आगे इसके आने का इंतजार कर रही है, जिसे देख के ये कुत्ता उल्टे पैर वापस भाग जाता है, जिससे अब मौत को तो अपना तांडव मचाना था, तो ये बेचारा हिरण का बच्चा इन सब का शिकार हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे के लिए तो पीछे कुआं आगे खाई वाली कहावत सही हो गई। और इन कुत्तों को देखिए, जो कुत्ते की ही तरह खड़े होकर ये सब देख सकते हैं। अब इस वीडियो में फिर ये मौत के सामने से एक हिरण को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये जंगली कुत्ते इतने ज्यादा हिप्पो को परेशान करते हैं कि इनकी कई वीडियोस हैं, जैसे अब ये देखो, जिसमें मौत आराम से कीचड़ में बैठा था, लेकिन इन कुत्तों को जैसे मौत से खेलने का शौक है, क्योंकि खेलने के अलावा ये बेचारे हिप्पो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब जैसे कि हम आपको एक और हिरण दिखाते हैं, जो इन्हीं कुत्तों से जान बचाते बचाते मौत का दरवाजा खटखटा देता है, लेकिन ये कुत्ते भी इस हिरण का पीछा करना बंद नहीं करते, तो फिर मौत को ही बाजी अपने हाथ में लेनी पड़ती है, और मौत खुद ही इस हिरण की गर्दन तोड़ देता है। और ये कुत्तों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हिरण को मारा किसने, क्योंकि उन्हें तो बस अपना पेट भरना है। दोस्तों, ऐसी इतनी वीडियो है कि हम आपको दिखाते जाएंगे, लेकिन वीडियो खत्म नहीं होगी। इसके लिए कुत्तों को छोड़ते हैं और चीता पर आते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि चीता से तेज कोई और जानवर नहीं दौड़ सकता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ये चीता आराम से पकड़ा गया। दोस्तों, हिप्पो और मगरमच्छ बहुत पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर आप इन्हें एक ही जगह पर गुंडागर्दी करते पाओगे, और इसी गुंडागर्दी में अपना लोहा मनवाने के लिए ये दोनों गुंडों की अक्सर जंग होती रहती है, जहां मगरमच्छ की तुलना में हिप्पो का मुंह ज्यादा चौड़ा और दांत भी काफी बड़े होते हैं। तो वहीं इन हिप्पो को सिर्फ और सिर्फ हाथी जैसे जानवर ही हरा सकते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें ये मगरमच्छ गुंडों की पूरी गैंग के बीच फंस जाता है। अब हमें तो नहीं लगता कि ये हिप्पो इस मगरमच्छ को छोड़ेंगे, बल्कि इसको इतना काटेंगे कि इसका दम निकल जाएगा, और इस डरा देने वाले नजारे को देखकर इस मगरमच्छ के साथी भी इसे बचाने नहीं आते। ऐसे ही इस वीडियो को देखो, जिसमें हिप्पो ने मगरमच्छ के मुंह को अपने बड़े से मुंह में भरा हुआ है, लेकिन अगर मगरमच्छ को ऐसा मौका मिल जाए
तो मगरमच्छ अपना मुंह इतना कभी नहीं खोल सकता कि किसी हिप्पो को अपने मुंह में भर ले। दोस्तों, आपने हमेशा मगरमच्छ को दूसरे जानवर का पीछा करके पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी मगर को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखा है? इस वीडियो को देखिए जिसमें मगर इस जल्लाद से दूर भाग रहा है। दोस्तों, ऐसा होता है इसलिए क्योंकि मगर को भी पता है कि जल्लादों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मगर के जीतने के चांसेस 1% भी नहीं होते। इसीलिए अगर नदी तालाब में एक अकेला भी हिप्पो होता है और मगर झुंड में होते हैं, तब भी ये मगर हिप्पो पर हमला नहीं करते। इस वीडियो से समझो, अब ये नया जन्मा हिप्पो का बच्चा है जो इस मगर से लड़ना चाह रहा है, लेकिन मगर जैसे इनकी शक्ल से ही डरते हैं, इसीलिए तो इस बच्चे से भी मगर लड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, सच में हमने हिप्पो ही एक ऐसा गुंडा देखा है जिससे मगर जैसे जानवर की फटती है, क्योंकि यही मगर हाथी तक पर हमला कर देते हैं। जब भी हिप्पो हाथी से नहीं जीत सकता, लेकिन इस वीडियो में देखिए कैसे ये मगर सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग रहा है और पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा। वैसे ही ये भी वीडियो है, मतलब आप बहुत ही रेयर पाओगे कि किसी मगरमच्छ ने हिप्पो पर हमला किया हो, क्योंकि ये अपनी जान इन दरिंदों से बचाना सही समझते हैं। दोस्तों, ये बेचारे मगर अगर हिम्मत करके हमला करते भी हैं, तो इनका कुछ ये हाल होता है जिसे दूसरा मगरमच्छ दूर से देख लेता है और अपने साथियों को जाकर बता देता है कि उसकी मौत इतनी खतरनाक थी। दोस्तों, आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, हिप्पो जिस जगह पर रहते हैं जल्दी से वहाँ किसी और मेल हिप्पो को नहीं आने देते, और अगर ऐसा होता है तो दो गुंडों के बीच लड़ाई शुरू, जिसमें दोनों हिप्पो अपना बड़ा मुंह खोलकर एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे इंसानों में जर और जोरू मतलब जमीन और किसी लड़की के ही पीछे हमेशा लड़ाई होती है, वैसे ही सेम इन हिप्पो की भी कहानी है। ये आपस में हमेशा या तो अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं या फिर फीमेल हिप्पो के लिए। दोस्तों, हिप्पो को आपने दूसरे जानवरों की बैंड बजाते हुए तो काफी देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जानवर किसी भी चीज पर हमला कर सकते हैं, जैसे कि इंसानों पर या तो इंसानों की बनाई हुई बोट पर भी। जैसे कि इस क्लिप को देखिए जिसमें देख के ऐसा लग रहा है कि हिप्पो किसी डॉल्फिन या व्हेल की तरह तैर रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हिप्पो के एरिया में कोई आए इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, और आप इन गुंडों को इस बोट को घूरते हुए भी देख सकते हैं, जो देखने में काफी डरावना भी लग रहा है। लेकिन फिर अचानक से उनमें से एक हिप्पो इन्हें पानी में दौड़ा लेता है। क्या आप जानते हैं हर साल हिप्पो 3000 लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं, तो वो बोट काफी फास्ट थी, नहीं तो इस साल 3004 लोग हो जाते। अब दोस्तों, इन लोगों को देखो जो नदी में बोटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से एक हिप्पो बस इसके पास से ही निकलता है। वो तो हिप्पो लग रहा अच्छे मूड में था, इस वजह से इसे बख्श देता है। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हिप्पो इकलौते ऐसे जानवर है जो पानी में भी अच्छे से हमला कर सकते हैं और जमीन पर भी ये किसी भी जानवर या इंसान का दम निकाल सकते हैं। जैसे कि जब लोग सफारी पर आते हैं तो ऐसे कई इंसिडेंट हैं जिसमें हिप्पो ने कार पर अटैक किया हो। जैसे कि इस वीडियो में हिप्पो को ये कार उसकी टेरिटरी के बहुत ज्यादा करीब लगती है, जिसकी वजह से हमले के अलावा इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वैसे इस वीडियो में भी हिप्पो पूरी तेजी से इन जीप पर बैठे लोगों को दौड़ाता है और एक पैसेंजर के तो बस काटने ही वाला होता है। वैसे ही इस नीली कार पर जब ये हमला करता है तो ड्राइवर की चालाकी सबको बचा लेती है। दोस्तों, हिप्पो की ही तरह एक और जानवर होते हैं जो किसी भी जानवर से नहीं डरते और देखने में एक दूसरे से काफी हद तक मिलते भी हैं, और वो है राइनो। और क्या होता है जब राइनो और हिप्पो में लड़ाई हो जाती है? जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हिप्पो चिल्ला चिल्ला के राइनो को डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ हिप्पो ये भी जानता है कि इनसे जीतना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए डर कर भाग जाए राइनो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन राइनो को तो देखो, जैसे हिप्पो के चिल्लाने से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर अचानक से हिप्पो अटैक कर देता है और राइनो को जमीन में गिरा देता है। अब इन दोनों गुंडों को रात के अंधेरे में एक दूसरे से लड़ते हुए देखिए। वैसे इस तस्वीर को देखकर क्या लगता है कि कौन सा गुंडा यहाँ जीत सकता है, क्योंकि कभी हिप्पो रायनो के पीछे तो कभी रायनो हिप्पो के पीछे होता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।